Welcome back to my another video. So in today's video, I'm going to share with you 5-minute makeup look with just a 5 products. So it's a very you know easy to create aur bahut hi jaldi create ho jata hai because of 5-minute makeup look hai to obvious 5 minute mein hi complete hona chahiye. Aur iske sath jo maine product use kiye hain wo hai sirf 5. Yes guys, 5 product ke sath maine ye makeup look create kiya hai. So chaliye dekhte hain is makeup look mein maine kya kya use kiye hain, kya product. So aaj hum is makeup look ko dekhenge ki ye maine kis tarike se create kiya hai. So agar aap mere channel pe naye hain to make sure mere channel ko kar dijiye subscribe, लाइक और शेयर. और चलिए देखते हैं इस मेकअप लुक को किस तरीके से कंप्लीट किया है मैंने. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक्सपोज्ड बाय इन कलर का फाउंडेशन. काफी ज्यादा क्रीमी मैट फाउंडेशन है गाइज और ये प्रॉपरली ब्लेंड हो जाता है. खासा यू नो मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी आपको इसको ब्लेंड करने के लिए. सो दैट्स वाई मैं ये फाउंडेशन यूज कर रही हूँ. इसको प्रॉपरली अपने फेस के ऊपर पूरे फेस पर आपको अच्छे से लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ. उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये पैलेट और इसमें से मैं कॉन्टोर शेड बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ बिकॉज आज मैं अपने फेस को कॉन्टोर नहीं करूंगी गाइस. मैं ये येलो टोन की शेड लूंगी और अपने अंडर आइज के नीचे से पैक करूंगी. उसका रीजन ये है बिकॉज मैं इस लुक में कोई कंसीलर यूज नहीं कर रही हूँ गाइस, जो कि सबसे यू नो प्लस पॉइंट है इस वीडियो में. सो प्रॉबली अपने यू नो अंडर आइज को यू नो पैक कर दो और पूरे फेस को भी आप अच्छे से पैक कर दो इस शेड के साथ और अंडर आइज के नीचे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिए गाइज. और प्रॉपरली इस तरीके से मैं पैक कर रही हूँ. उसके बाद मैं यूज करूंगी ब्लश और ब्लश के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे SFR का मैट ब्लश पैलेट. दोनों ही शेड बहुत ही प्यारी है. शुरू में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मैं कौन सी शेड अप्लाई करूँ एंड फाइनली आई गेस माई शेड और मैं ये ऑरेंज शेड जो है लगा रही हूँ अपनी चीक्स के ऊपर और प्रॉपरली इसे ब्लेंड करती जाऊंगी. ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड एंड नेक्स्ट मैं इसी शेड में से ये ऑरेंज शेड लेकर के अपने आईलिड के ऊपर लगा रही हूँ गाइज. और ये सबसे यू नो ट्रिकी चीज है यहाँ पे और इसे मैं अपनी आईलिड के ऊपर लगाऊंगी. उसके बाद बहुत ही प्यारा कलर आने वाला है. सो इस तरीके से प्रॉपरली मैं इसे अपनी आईलिड के ऊपर लगा लूंगी. दोनों आईलिड के ऊपर अच्छे से इसको पैक करूंगी. थोड़ी सी क्रीज एरिया पे ज्यादा फोकस करूंगी और वहां पे थोड़ी सी डार्क टू डार्क लगाती जाऊंगी. उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन ड्यूओ पेंसिल और इसे मैं अपनी ब्रोज को बना लूंगी और प्रॉपरली यू नो ब्रोज मैं फुल ही रखूंगी. जिस डायरेक्शन में गाइज आपके हेयर्स ग्रो हो रहे हैं ब्रो की, आप उसी डायरेक्शन में इस पेंसिल को लगाते जाइए एंड योर ब्रोज आर डन. थोड़ी सी फुलर ब्रोज ही मैं रख रही हूँ यहाँ पर अपनी ब्रोज की बिकॉज पूरा मेकअप काफी सटल है. उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये प्यारी सी रूबी वू मैट रेड लिपस्टिक. काफी ज्यादा अफोर्डेबल है. लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज, चेक इट आउट फ्रॉम देयर. एंड इसको लगाने के बाद मेरा कंप्लीट होता है यहाँ पर ये लुक. मल्टीपर्पज ओकेजन लुक आपको पसंद आया होगा एज वेल. आप इसको डे में भी वेयर कर सकते हो और नाइट में भी वेयर कर सकते हो और ये सिर्फ 5 मिनट में यू नो क्रिएट हो जाता है. जो भी प्रोडक्ट मैंने इसमें यूज किए हैं वो काफी ज्यादा पिगमेंटेड है बिकॉज आप हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को चूज कीजिए कम टाइम में जो आपके फेस पर इजिली अप्लाई हो जाते हैं और काफी ज्यादा पिगमेंटेड रहते हैं गाइज. सो आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा मेकअप लुक आपको अच्छा लग रहा हो. तो अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं देन मेक श्योर मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको ही मेरी नोटिफिकेशन मिले. सो टिल देन गाइज, we will meet in the next amazing video. Till then, take a stay healthy. Bye bye.